श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, आ गई है प्रदोष की तिथि और शनिवार के दिन पड़ रही है प्रदोष की तिथि। तो प्रदोष की तिथि में जो उपाय होते हैं, अगर वो प्रदोष काल में ही किए जाएं तो उसका महत्व अधिक होता है। तो इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको तीन छोटे छोटे से बहुत ही आसान से उपाय बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको प्रदोष काल में ही करने हैं, संभव हो सके तो। नहीं है तो फिर आप दिन में कर लीजिए, लेकिन अगर संभव हो, स्पेशली अगर शिवलिंग के उपाय हैं, तो फिर वो प्रदोष काल में ही करने चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि प्रदोष काल में शिवलिंग में भगवान शिव स्वयं विराजमान होते हैं, तो उसका महत्व बहुत अधिक होता है। और इस पर शनिवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है, तो फिर शनिवार का दिन जो होता है वो शनिदेव को भी प्रसन्न करने का दिन माना जाता है। तो छोटे छोटे आसान से उपाय हैं, आप करेंगे तो आपके जीवन के दुख परेशानियाँ दूर हो जाएंगे। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है, अगर जीवन में दुख परेशानी है, कष्ट है, समस्या है कोई भी, या फिर कोई शनि दोष है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी मतलब शनि से संबंधित समस्या है या दुख परेशानियां हैं, तो फिर आपको ये उपाय करना है, क्योंकि शनि देव जो होते हैं कर्मों के देवता माने जाते हैं, कर्मों का दंड देते हैं। तो इस उपाय को करने से क्या होता है, आप पर उनका प्रकोप कम हो जाता है, आपके दोष खत्म होते हैं, जीवन के कष्ट जो होते हैं वो भी खत्म होते हैं इससे परेशानियाँ। करना क्या है आपको, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, एक चम्मच या आधी कटोरी, दो चम्मच, तीन चम्मच, जितना आप ले सकें, आपकी श्रद्धा है, कम से कम दो तीन चम्मच ले लीजिएगा छोटी कटोरी में। उसी में आपको एक रुद्राक्ष डालना है, रुद्राक्ष एक मुखी, पंचमुखी, सात मुखी, नौ मुखी, जैसा भी आपको मिल जाता है, कोई ऐसा नहीं है यही इतने ही मुख वाला चाहिए, जो भी आपको सरस मिल जाए वो उसमें डाल देना है। और वो कटोरी तेल और रुद्राक्ष लेके आपको चले जाना है आसपास जो भी शनिदेव का मंदिर है, छोटा बड़ा जैसा भी, वहाँ पर चले जाना है। आपको शनिदेव के समक्ष रुद्राक्ष जो है वो सबसे पहले शनिदेव के समक्ष अर्पित करना है, उनको चढ़ा देना है। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है, ठीक है। उसके बाद जो तेल आपने लिया है वो भी आपको शनिदेव को चढ़ा देना है। आसान सा है, छोटा सा काम, ये बस इतना करना है, शनिदेव के मंत्र जो आपको बताया है स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ओम शम शनैश्चराय नमः, इसका आपको 11 बार जप करना है। फिर आपकी जो इच्छा मनोकामना है, जो दुख दर्द कष्ट परेशानी है वो वहाँ पर कहनी है, आपकी वो परेशानी जो है वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से शनिदेव भी दूर कर देंगे। एक बार उपाय करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको रुद्राक्ष वहाँ से उठा लेना है, घर आके उसको अच्छी प्रकार से जल और गंगा जल से अच्छी तरह से शुद्ध करके वापस जहाँ से आपने लिया हुआ है उसी स्थान पर उस रुद्राक्ष को रख देना है। अब आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय भी आपके कष्ट परेशानी, कोई काम अटका हुआ है, बिगड़ा हुआ है, कोई मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है और शनिदेव की वजह से बहुत कष्ट में है, या फिर किस कारण से है पता नहीं है, पितर परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं, तो आपको ये उपाय करना है। ये तो उपाय केवल आपको सरसों के तेल से करना है, कि शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय तरीका होता है सरसों के तेल से। तो केवल सरसों का तेल आपको लेना है, जितना आप थोड़ा ले सके, कम से कम दो तीन चम्मच, आधी कटोरी, इतना आपको सरसों का तेल बस लेना है और लेकर के चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो शिवलिंग आपने लिया हुआ है वो आपको जो जल सॉरी तेल आपने लिया है वो शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, शनैश्चर महादेव के नाम से, किसके, शनैश्चर महादेव का स्मरण करते हुए वो तेल आपको पूरा शिवलिंग पे चढ़ा देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हाथ में जो शिवलिंग पर आपने तेल लगाया तो तेल तो लग गया शिवलिंग पर, आपको जो उंगलियों से त्रिकुंड बनाते हैं उसी से हाथों में तेल तो लगा के उन्हीं तीन उंगलियों को शिवलिंग पर चलाना है और त्रिकुंड का निर्माण करना है उसी तेल से, ठीक है। उसी तेल से आपने त्रिकुंड का निर्माण कर लिया, उसके बाद जो आपकी अनामिका उंगली यानी जो छोटी उंगली के बगल की उंगली होती है उसी उंगली से थोड़ा सा तेल त्रिकुंड के ऊपर से हल्का सा तेल उंगली में लगाना है, लगा ही रहेगा, वो आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है, वो उतना छोटा सा टीका आपको अपने मस्तक पर कर लेना है। उसके बाद जो भी दुख कष्ट परेशानी है वो दुख कष्ट परेशानी आपको वहाँ पर बाबा से कहना है, आपके दुख जो है वो शनिदेव और भोले बाबा ज़रूर दूर कर देंगे। एक बार करके ज़रूर देखिएगा, छोटा सा है, केवल सरसों के तेल का त्रिपुंड आपको बनाना है और कुछ नहीं करना।
अब आते हैं अपने अगले उपाय पर। ये उपाय भी छोटा सा है, आप शायद ये भी चाहे आप चाहे तो हर शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष की तिथि पड़ रही है, शनिवार का दिन शनि प्रदोष है तो बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। ये है दीपक का उपाय, और शनिवार को हम सरसों के तेल का दीपक ही हमें ज़रूर जलाना चाहिए। तो एक आपको दीपक बनाना है, सरसों के तेल का दीपक आपको बनाना है, ठीक है। उसमें सरसों का तेल डालना है, वो दीपक आपने बना लिया मिट्टी या आटे का जैसा भी, और वो दीपक और थोड़ा सा आपको एक चुटकी भर काले तिल लेने हैं। कोई काउंटिंग नहीं है कि 5 चाहिए 11 चाहिए 21 चाहिए, एक चुटकी काले तिल ले लेना है। दोनों सामग्री प्रदोष काल के में आपको लेकर के, यानी कि सूर्यास्त से पहले और बाद का समय जो 45 मिनट होता है वो होता है प्रदोष काल, लेकर के चले जाना है। किसी आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर जाना है, और वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है। दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया, और उसके बाद उसी में आपको काले तिल डालना है। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए काले तिल डाल दिया 11 बार, ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आपने जप करना है। जप कर लिया उसके बाद वहाँ दीपक जलाने के बाद आपकी जो मनोकामना इच्छा है, दुख कष्ट परेशानी है, वो ज़रूर दूर हो जाएंगे। बस ये है कि 3-4-5 शनिवार आप ये उपाय करके ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि शनि प्रदोष के उपाय। शनिवार के दिन भी आप ये सारे उपाय वैसे भी कर सकते हैं, प्रदोष की तिथि पड़ गई है तो इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। आपको जो उपाय आसान लगता है वो उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा। आपकी सभी समस्याएं, दुख कष्ट परेशानी भोलेनाथ ज़रूर दूर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।